बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, मुंबई क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को बताया कि दोनों आरोपियों को गुजरात के भुज जिले से गिरफ्तार किया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये शूटर्स आखिर है कौन। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का नाम विक्की गुप्ता और सागर पाल है। विक्की और सागर ने रविवार को सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। सलमान के घर के बाहर फायरिंग को अंजाम देने से पहले दोनों मुंबई से सटे पनवेल इलाके की एक सोसाइटी में पिछले एक महीने से किराए पर रह रहे थे। इन दोनों ने बॉलीवुड स्टार के घर की रैकी की और फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात भुज से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। इन्हें आगे की कार्यवाही के लिए मंगलवार सुबह भुज से मुंबई लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने यह भी बताया था कि सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक से आए दोनों हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग भी की थी। इस घटना को रविवार सुबह 5 बजे अंजाम दिया गया। गोलीबारी के बाद दोनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वक्त सलमान खान घर में ही मौजूद थे, हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। वहीं जांच के अधिकारियों को पता चला कि हमलावरों ने फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सलमान के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर माउंट मैरी गिरजाघर के पास छोड़ दी थी। फिर हमलावर कुछ दूर तक पैदल चले और बांद्रा रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। आरोपी बोरीवली की ओर जाने वाली एक ट्रेन में चढ़े, लेकिन सांताक्रूज रेलवे स्टेशन पर उतर गए और वहाँ से बाहर निकल गए, जिसके बाद वो मुंबई से फरार होकर गुजरात के भुज में जाकर छिप गए हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार कई बार सलमान खान को मारने की धमकी भी दे चुके हैं। वैसे बिश्नोई और बरार ने सलमान को मारने के लिए अपने शार्प शूटर्स को भी मुंबई भेजा है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।